आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज एक्सप्रेस। चान्हो शीला गाय 17 फरवरी लगने वाला मेला शहीद वीर बुद्ध भगत के जन्मदिन के शुभ अवसर पर स्थानीय प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। वहीं आज पूर्व अध्यक्ष शिव पूजन चंदन कुमार, दिलीप कुमार और एसएम मुबारक अंसारी ने शहीद वीर बुद्ध भगत की प्रतिमा को पानी से साफ किया और लोगों की सुविधाओं के लिए बंद पड़ी 2 शौचालय को साफ करके जाने योग्य बनाया। वीर बुद्ध भगत जैसी महान क्रांतिकारी योद्धाओं ने भारत के 125 करोड़ जनता के लिए आज़ादी की घोषणा कर अपनी जान की आहुति दी है। वहीं आज दूसरी ओर स्वच्छता की संघर्ष लड़ाई हमें और आपको मिलकर लड़ने की ज़रूरत है। स्वच्छता के खिलाफ हमें ये लड़ाई मिलकर लड़नी है। आओ हम सब मिलकर संघर्ष करें और अपने भारत को स्वच्छ भारत, सुंदर भारत बनाएं। इनका सोच था क्या, इनके बारे में जरा दो शब्द आप बता दीजिए और मैसेज जरा सा लोगों को अति कीजिए। इसका सोच था कि शुभ सब अत्याचार दमन है, अंग्रेजों द्वारा सताया जा रहा था, यहाँ का पूरा जनता त्रस्त था, है ना। उसको उन्होंने सफाई किया, अत्याचार के खिलाफ किया, आदमी को मानसिक रूप से एकदम पूरा विकलांग हो गए थे, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, उनको उन्हीं को लेके अभियान चला अंग्रेज के खिलाफ। लेकिन तो एक उदाहरण हो गया, बाकी बात इन्हीं तरह की तबलीग ना हो, मतलब सीधे कहते रामराज, रामराज मतलब कि किस तरह का, मतलब हर वर्ग को हर वर्ग सुविधा उपलब्ध हो, किस तरह का पढ़ाई लिखाई शैक्षणिक नौकरी चाकरी तमाम जगह सबको अधिकार मिले, समानता अधिकार मिले और सब खुशहाल रहे पूरा समाज, है ना। हिंदू शरणा ईसाई बौद्ध सिख इस्लाम है, तमाम लोग एकदम खुश रहे, ये मतलब एक सूत्र में बंधे और बढ़िया से सबको देश का विकास कर, राज्य का विकास कर, समाज का विकास कर रहे। इन्हीं के लिए इन्होंने अपने बलिदान दिए, वो भी अपना परिवार सहित, दो बच्चा दो दो लड़की तमाम चीज को। अगर उस टाइप का विचार होता कि व्यक्तिगत सोच रहता, इन्होंने देश की आजादी में बाघी नहीं रहते, अंग्रेज से टकराते ही नहीं, टकराते ही नहीं। 144 लोग इन्होंने अंग्रेज लोग नाम से आदमी का हार करता, तो बताइए उस पीरियड में 1831 को तीन पोल विद्रोह ने अपना प्राण न्यौछावर किया, किसके लिए, समाज के लिए, समाज को दिशा देने के, समाज खुशहाल रखने के लिए। अगर व्यक्तिगत सोचते अपने परिवार के क्यों लड़ते, लेकिन उस लड़ाई को अभी व्यर्थ है, लोग तरीके से मतलब गलत गंदा निगाह से मतलब इसको तरीका देखा जा रहा है। इसका विचार ऐसा नहीं था, इसका शुद्ध विचार था, खुशहाली विचार। चलिए विचार सर, मेरा नाम मुबारक हुआ, हम चान्हो ब्लॉक सोशल मोबिलाइजर हैं, इसलिए कि हमने पूरे जीवन में पूरी जिंदगी को इसी के स्वच्छता पे लगाया है, बच्चे को पकड़ पकड़ स्कूल पहुंचाना, इसलिए कि हमने तो स्कूल जाने का मौका नहीं मिला था। लेकिन आज एक एक बच्चा को पकड़ पकड़ के स्कूल पहुंचाना, रोड में कोई एक्सीडेंट हो उसको हॉस्पिटल पहुंचाना, बूढ़ा बूढ़ी की सेवा करना, कहे कि कोई भी माँ बाप दूसरे का माँ बाप नहीं, वो अपने माँ बाप ने, तो उसको वही निगाह से लोग सेवा करें, कहे कि बच्चे तो भगवान के अवतार होते हैं। आज हमारे बच्चे, किसी के बच्चे अपने बच्चे हैं, कम से कम आज इनका जो सोच है कि अपने लिए नहीं सबके लिए, आज एक अंग्रेजों से तो हमको ये छुड़ा दिए, लेकिन आज दूसरे को चीज है कि गंदगी है, गंदगी से कैसे उसके लिए। आज दूसरे आज़ादी की लड़ाई चल रहा था, मोहर लग गई हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने 2014 को घोषणा किए थे, आज 2 अक्टूबर 2019 को घोषणा कर दिए, मोहर लगा दिए कि स्वच्छ भारत सुंदर भारत का निर्माण हो जाए। क्या उनका भी कार्य सराहनीय है कि उन्होंने कम से कम मोहर तो लगा दिए, घोषणा तो कर दिए, अब इसको बाकी रखना, एक एक 125 करोड़ जनताओं का हक है कि कैसे स्वच्छ और सुंदर और साफ रहे, कम से कम हमारे बच्चे कम से कम अच्छे इंसान बन करके कम से कम निकल जाए, और उनका सोच भी हो जाए कि हमारे बच्चे का भी कि कम अपने लिए ने सबके लिए जीने वाले हो जाए, तभी हमारा देश, हमारा राज्य, हमारे जो ये ब्लॉक हो चानो है, तो इन लोग जैसे जैसे सोच महान हस्ती आज भी है कि लोगों का सोच है कि कम से कम इसको बाकी रख रहे, दूसरे तक कम से कम मैसेज को कम से कम ये करे कि इसको बाकी रखे, जो 17 फरवरी को जो मेला लगाते हैं, जयंती समारोह जो आज मनाते हैं, वो हमेशा हर दिन ये खुशी मनाए, हम लोग सारे के सारे लोग खुशी मनाने का चीज है, समझे ना। यही बातों पे अपना बातों को खत्म करते हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मार जी, ये आप टाइप का व्यक्ति जिन्होंने एकदम साफ सुथरा का अभियान चलाया हुए, इसलिए मैं कोटि कोटि आपको धन्यवाद देता हूँ। उस आप हकदार भी है जो समाज सुधार रहा है, स्वच्छ रहे, स्वच्छ ही आदमी का व्यक्तित्व को निखार होता है, व्यक्ति को सही मार्गदर्शन होता है, विचार शुद्ध होता है,
श्री आप रास्ता दिखा रहे हैं श्री, बहुत बहुत आपको धन्यवाद।